होंगे, हाँ पर्चियां बने हो उसमें, और चित्र भी है ना, और उसमें में से क्या करेंगे कि मैं पर्ची जो डिब्बा है वो सबको ऐसे पास करना है आपको। खेल कैसे करना है, एक डिब्बा है उस डिब्बे में फूल होंगे, चित्र है फूल है या फूल के पर्ची है, नाम लिखा हुआ, ठीक है। उस डिब्बे को एक के बाद सब एक दूसरे को पास करेंगे, ठीक है। और मैं ताली बजाती जाऊंगी और तुम एक के बाद पास करते जाना। जिस बच्चे के पास ताली रुक गई और उस बच्चे को उसमें से एक फूल उठाना है और फूल के बारे में बताना है ना। और क्या क्या बात आपको बताना है फूल के बारे में, फूल के बारे में आप बताएंगे, ठीक है। नाम क्या क्या बताएंगे आप, फूल का नाम, ठीक है, उसका रंग कैसा है वो बताएंगे, ठीक है, और वो क्या काम आते हैं, उपयोग करेंगे। क्या क्या बात करेंगे, नाम और रंग कैसा है और उपयोग क्या काम आते हैं, उपयोग माने क्या हमारे लिए क्या काम आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। क्या नाम है, सूरजमुखी, उसको बोलने दो, ठीक है, सूरजमुखी। और रंग कैसा है इसका, पीला रंग है, ठीक है। क्या काम में आते हैं ये, पूजा करने में आते हैं, इसके अलावा और एक मिनट, हाँ बताओ, माला बनाने में, ठीक है। और किसी को और लगता है और कोई उपयोग है इसका, पूजा में काम में लेते हैं है ना, और माला बनाना और सजाने में भी, सजावट के लिए भी। और भी कोई बात किसी को ध्यान है, हाँ बताओ, शहद, इसमें से शहद निकलते हैं, ठीक है। और तो अब अगला, चलिए अब आगे पास करते हैं, इसके पास है कमल, कहाँ देखा है कमल का फूल आपने, यहाँ पे, अच्छा चलिए, कमल है, रंग कैसा है, लाल है, ठीक है, गुलाबी सी रंग है इसके, है ना, हल्के से गुलाबी सी रंग है। और एक मिनट है, खुशी को सोचने दो, उपयोग क्या काम आते हैं, क्या काम आते हैं, अभी देखो खुशी को याद नहीं है, ठीक है, चलो खुशी बैठ जाओ, और कोई बता सकते हैं, अच्छा पूजा करने में है ना, पूजा करने में काम आते हैं, और बेचने में, गाने में, शादी में भी काम आते हैं, दीदी खेतों में भी उगाते हैं है ना, खेतों में उग जाते हैं क्या, पानी में, हाँ वो देख उसने सही कहा है, पानी में, अपने यहाँ पे कहाँ उगा रखा है, पानी में, वो भी मिलाना चाहिए, तालाब से एक होदसा बना के उसके अंदर उगा रखा है। अच्छा ये कमल के फूल की कोई खास बात, लाल गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई बात जी,
राष्ट्रीय फूल भी है हमारे जो है। बिल्कुल सही कहा है आपने, हमारा जो है ये राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, अब चलिए अब एक बार बताइए जो है यहाँ पे जो लिखा गया है इसमें आप देखो ये जितने भी जो फूल है और भी फूल होंगे है ना, आपने यहाँ पे कैंपस में बहुत सारे फूल देखे हैं, तो बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिसके सभी फूलों के रंग एक जैसे हैं? नहीं। यदि सब रंगों के फूल एक जैसे होता तो पहचान में नहीं आते, और यदि रंग बिरंगे नहीं होते तो क्या होता बताओ? अच्छा नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, मतलब एक सा ही लगता, अजीब से लगते हैं। हाँ बोलो। और जब आप रंग बनाते हैं ना तो एक ही रंग बनता है। एक ही रंग बनता है, ठीक है, ये भी एक बात है। यदि रंग बनाना हो तो सब फूलों के रंग एक जैसा हो तो एक ही रंग बनेगा। हाँ बेटा, यहाँ से यदि सारे फूलों का रंग एक जैसे होता तो मतलब कोई भी फूल सफेद नहीं, पीला नहीं, करने का काम में लेते हो। नहीं नहीं, किसी एक फूल पे नहीं, जनरल सामान्य रूप से फूल हमारे क्या काम आते हैं है ना, किसी फूल से हम इत्र बनाने का काम में लेते हैं है ना। आप बताओ क्या काम आते हो? दवाई बनाने का है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे? फूलों के उपयोग है ना। तो सबसे पहले फूल दवाई बनाने का
काम आता है। ठीक है, एक तो उपयोगी हो गई दवाई बनाने का, और बिल्कुल कुछ फूल शरबत बनाने के लिए भी काम में लेते हैं। ठीक है, और आप बताओ। नहीं, कुछ फूल सजाने का काम में लेते हैं। जब हमारे घर में कोई त्योहार होते हैं, कोई उत्सव होते हैं, कोई जश्न होते हैं, तब हम सजाने के काम में लेते हैं। हाँ, कुछ फूल हम रंग बनाने के काम में लेते हैं, है ना। तो ऐसे यही बात आपको लिखना है। हाँ, तो यही बात आपको लिखना है ना। फूल खाने का काम आते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अपनी किताब कटा के लिखिए, जल्दी लिखना, नहीं तो अगले पेज। अब समझ में आ गए। माला बनाते हैं, माला बनाते क्या करते हैं, बेचते हैं, फोटो पे चढ़ाते हैं, और किसी को पहनाते हैं, और हाँ कोई भगवान के चढ़ाते हैं, फूलों से दवाइयाँ बनती है। तो दूसरा आपको लिखना है कि फूलों से दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, और एक दूसरे फिर आपने बताया कि फूल को सजाने का काम में आते हैं। सजाते हैं, सजाते है ना, जब शादी ब्याह और इस तरीके के कोई जश्न होते हैं, घर पे किसी का जन्मदिन होता है, ऐसे कुछ होते हैं, तो फूलों से सजाते हैं। ठीक है, तो सजाने का काम आते हैं फूल। ये बात आपको कॉपी में लिखना है। और भी बात सोचो, आपने कहा है कि रंग बनाने का काम आते हैं कुछ फूल, है ना, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, कुछ फूल रंग बनाने का काम आते हैं। आपने इसके बारे में लिख दिया। अब इसके बारे में देखो, चंपा के चंपा है ना, अपने यहाँ पे है, उसको में आपने देखा होगा, बहुत बड़ा है। तो पहले समूह नंबर एक का बच्चा वो है, कोई एक बच्चा है ना, सबको सुनने में बहुत टाइम लगेंगे, एक बच्चा खड़े होके पढ़ के सुनाएंगे। समूह नंबर एक कौन है, एक नंबर किसका है, आप लोग आप में से कोई एक जना, चलिए खड़े होके सुनाइए, कोई भी। जोर से सुना, उधर तक सुनने में आना चाहिए, आपको सुनाई दे रहे नहीं, थोड़ा जोर से। दवाई बनाने के लिए कोई एक फूल से दवाई बन जाएगा, नहीं बनेगा।
देखा है और मंदिर के, आप ये कह रही है मंदिर के पास देखा है, बाजार में देखा है, बगीचे में, बगीचे में भी फूल बेचने वाले बैठते हैं। अच्छा वो जो पौधे बेचने वाले हैं, हाँ बिल्कुल। देखिए बाजार में फूल बिकता है, बेचने के लिए लोग बैठते हैं और मंदिर वगैरह के आसपास भी लोग बैठते हैं जहाँ पे फूल बेचने वाले बैठते हैं, है ना। अब अपन ये काम करेंगे, ये फूल बेचने वाले फूल कहाँ से लाते होंगे, तो हमको इसके बारे में जानकारी किससे मिलेगा, या फूल बेचने वाले से, है ना। तो अपन ऐसे करेंगे कि कल या परसों हम फूल बेचने वाले से बात करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे, क्या बात करेंगे उनसे, पहले एक सवाल एक बात पूछिए करेंगे, चलो एक काम करते हैं कि हम देखो दूर जाएंगे फूल बेचने वाले से बात करने के लिए, तो एक सवाल पूछने तो नहीं जाएंगे, तो उनके पूरे काम के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, सवाल उनको करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी आप अपनी कॉपी में एक एक सवाल लिख दो कि आप क्या पूछना चाहेंगे उससे, ठीक है। हर बच्चे को अपनी कॉपी में क्या लिखना है, एक सवाल लिखना है। वो जो फूल बेचने वाले के पास जाएंगे तो उनसे क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, ठीक है। तो हम सब एक साथ जाएंगे, ठीक है, है ना। तो अब अपने कॉपी में फटाफट कॉपी खोल के लिख लो कि आप क्या पूछोगे फूल बेचने, फिर उसके बाद हम बात करके सवालों को, कोई बात नहीं हम जाएंगे, आपके उधर नहीं आते तो हम बुला लेंगे, यही बुला लेंगे स्कूल में, ठीक है। चलिए अब आप बताओ,
क्या है, है ना। जब हम पहली बार किसी से मिलने जाएंगे तो हम जाते ही क्या पूछेंगे, आपका नाम क्या है।